ताकि ये ड्रग्स लेता है। मैंने कहा ये तो बहुत खराब बात है, आपको क्या पता चला? कहती है मुझे तो बहुत पहले से पता था। मैंने कहा आपने क्या किया? कहा मैंने इसको समझाने की कोशिश की, बुझाने की कोशिश की, लेकिन इसने एक न मानी। मैंने कहा अब क्या नौ बताइए, आपको बुरा नहीं लगेगा बंद रहेगा? बोला नहीं, शायद इसकी जिंदगी बच जाएगी। मैंने कहा ठीक है, आपको मैं ड्रग एडिक्शन सेंटर बारामूला भिजवा देता हूँ। तो उन्होंने कहा नर्स ब्रह्मस्वसानी ड्रग एडिक्शन सेंटर बारामूला की। मिस ब्रह्मस्वस ने पीर के बैग फोक देते ये गस्टीर, मेरे शुरू है आप इलाज, या तो आप इसकी काउंसलिंग कीजिए, कहीं बाहर ले जाइए, या आप इसको हमारे ड्रग एडिक्शन सेंटर में भिजवा दीजिए। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम सामाजिक तौर कैसे बंधे होते हैं। तो उस माँ ने मुझे बड़ी आस से देख कर कहा कि तजस्वी रिश्तेदार राखी सरदी में वहीं पर पाम बना सकने पर नवरे विरुद्ध में हंसकर बेइज्जती। अब मैंने उस माँ को कहा, मैंने कहा आपको बेइज्जती क्या लगता है? ये क्या आपका बेटा वहाँ एडमिट होगा, इसका इलाज होगा? या आपको ये बेइज्जती लगता है कि ये ड्रग्स लेता है? या आपको ये बेइज्जती लगती है कि किसी और को पता चल जाएगा? तीनों में इम्पोर्टेंट क्या है? मैंने कहा तीनों में इम्पोर्टेंट होना चाहिए, आपके बच्चे की जिंदगी बचनी चाहिए, संवरनी चाहिए। अगर आप इन चीजों की फिक्र करेंगे तो जो बाकी जो दो मसले आप या मसाइल आपने बताए हैं वो इसके सामने बहुत छोटे हैं। तो ये सोचना कि उसको कैसा लगेगा, इसको कैसा लगेगा, जिसको हम कहते हैं कि कुछ लोगों को बीमारी होती है उसको कहते हैं एलकेके सिंड्रोम। एलकेके सिंड्रोम होता है लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे वाली बीमारी से आपको थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि यस इफ हिज वर्क्स टू बी अ फ्रेंड ही शुड बी अ फ्रेंड, इफ नॉट यू शुड ब्रेक इट, यू शुड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। अगर कोई जिंदगी में निकलना चाहता है तो निकले, हाँ थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कहा जाता है कि गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन गुजर तो जाएगी तेरे बगैर भी, लेकिन बड़ी उदास गुजरेगी, बड़ी बेकरार गुजरेगी। लेकिन उस उदासी उस बेकरारी से बेहतर वो दोस्त नहीं है जो आपको इन नेगेटिविटीज की तरफ ले जाए, इन मंशा की तरफ ले जाए। अगर आप इसको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखते हैं ड्रग अब्यूज को, जिसको ये लत लग जाती है उसके घर में खुद ब खुद इकोनॉमिक कैंसर शुरू हो जाता है। इट्स एज गुड एज इकोनॉमिक कैंसर। इकोनॉमिक कैंसर का मतलब ये होता है जब आप बोर हो जाएंगे, हाथ खड़े कर देना तो मैं छोड़ दूंगा। इकोनॉमिक कैंसर का मतलब होता है ये लड़का जब जाता है या ये लड़की जब जाती है, जब ये ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं तो इनके पास पैसे कम होते हैं।